हेलो एवरीवन, नमस्ते सस्त्रकाल, सलाम वालेकुम। जो कि आज हम बना रहे हैं रिएक्शन वीडियो। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की जो हमारी रिएक्शन वीडियो है वो है डॉक्यूमेंट्री अबाउट इमाम हुसैन। जो इमाम हुसैन है उनका जो सेक्रीफाइस था, जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना है जिसके ऊपर आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है, और उसके बाद में इस वीडियो के एंड में मिलते हैं और फिर डिस्कस करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पुराने हैं तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए हमारी वीडियोस को। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। और हमें इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सब्सक्राइब करो त्रियाक्षा द क्वीन और ओनली त्रियाक्षा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सन 60 हिजरी, एक जालिम बादशाह ने इस सदा को बुलंद किया कि कोई दीन नहीं, कोई रसूल नहीं, ना ही कोई वही आई थी। ताकत दौलत के सामने पूरी दुनिया खामोश रही, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस एक चक्की पीसने वाली माँ और एक फटे पुराने और टूटी हुई चप्पल पहनने वाले बाप का बेटा हुसैन इब्ने अली उठा और कहा, ऐ यजीद, तू झूठा है। मेरा नाना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है ताकि इंसान अपनी इस्लाह कर सके। यजीद ने कहा, तू मुझे नहीं जानता, मेरे पास तलवार है, दौलत है, हुकूमत है। इमाम हुसैन ने कहा, मेरे पास सब्र है, शराफत है, सदाकत है। बस रात की तारीकी में इमाम हुसैन अपने नाना रसूल अल्लाह के रोज़े पे आते हैं, अल्लाह के महबूब ख्वाब में आते हैं और फरमाते हैं, ऐ मेरे नवासे, इसी दिन के लिए तुम्हारी परवरिश की, तुम्हें इस्लाम पर कुर्बान होना है, अपना सब कुछ दीन खुदा पे फिदा करना है, अपने खून से इस्लाम की सदाकत को बयान करना है, अपने सर को तन से जुदा करवा के नौके नैजा पे सवार करवा के कुरान की तिलावत को सुनाना है, ताकि रोजे महशर तक कोई यजीद ये कह ना सके कि तुम्हारा नाना झूठा था। बस ये कहना था। इमाम हुसैन अपनी बहनों बेटियों को लेकर मक्के से होकर कर्बला की तरफ रवा हो गए। फौज यजीद ने चारों तरफ से मौला हुसैन को घेर लिया, 3 दिन से पानी बंद कर लिया। इमाम हुसैन सब्र करते रहे। शब आशूर अपने तमाम चाहने वालों को एक खेमे में बुलाया और कहा, ऐ मुझसे प्यार करने वालों, ये जो बाहर फौज खड़ी है ये सब मेरे नाना के दीन के दुश्मन हैं, मेरे बाबा के दुश्मन हैं। इन सबको मेरा खून चाहिए, मेरा सर चाहिए। मैं तुम सब के लिए हुज्जत तमाम करता हूँ, जाओ अपने गांव वापस चले जाओ, तुम्हारी जन्नत का जामिन मैं हूँ। बस ये कहना था। सब इमाम हुसैन को हसरत की निगाह से देखते रहे। इमाम हुसैन ने कहा, शायद तुम्हें आंखों की शर्म ने रोके रखा है, अब्बास चराग बुझा दो। चराग का बुझना था। इमाम हुसैन ने कहा, जाओ अपने अपने शहर वापस चले जाओ, तुम सब की जन्नत का जामिन मैं हूँ, तुम सबको शहादत का मर्तबा अल्लाह से मैं लेके दूंगा, जाओ बस। कुछ देर के बाद इमाम हुसैन ने जैसे ही चराग जलाया, क्या देखें, सबके सब तलवार अपनी गर्दन पे रख के कहते हैं, ऐ हमारे आका हुसैन, आपको छोड़ के कैसे जाएं? ना हमें जन्नत की लालच है, ना हमें जानों का खौफ है, सिर्फ इतना बताएं, जब रोजे महशर आपके नाना पूछेंगे कि मेरे नवासे को ऐसे ही छोड़ दिया, आपकी वालदा पूछेगी कि मेरे बेटे को ऐसे ही तलवारों के बीच में छोड़ दिया, तो उनको क्या जवाब देंगे? हमें आपके कदमों पे कुर्बान होना है। बस 10 मुहर्रम का सूरज तुलू हुआ, इमाम हुसैन ने कहा, अकबर अजान दो। अली अकबर की अजान से सहराए करबला गूंज उठा और नमाज फजर में ही इमाम हुसैन पे हमला हो चुका। एक एक इमाम हुसैन के कदमों पे कुर्बान होता गया,
कभी हुर का लाशा आता है तो कभी हबीब इब्ने मज़ाहिर का, कभी औन व मोहम्मद के लाश आते हैं तो कभी कासिम के टुकड़े मिलते हैं। तारीख ने लिखा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना रसूल अल्लाह से बहुत प्यार करते थे। अपने नाना की रहलत के बाद बार बार अपने बाबा अली से कहते थे, बाबा मुझे नाना की बहुत याद आती है। इमाम अली कहते थे, ऐ हुसैन नमाज में दुआ मांगा करो, अल्लाह तुम्हें हम शक्ले पैगंबर अता करेगा। तो अल्लाह ने अली अकबर अता किया। जब भी नाना की याद आती थी अली अकबर की ज़ियारत किया करते थे। जब अली अकबर ने कहा, बाबा मुझे भी इजाज़त दें ताकि मैं भी आपके कदमों पर कुर्बान हो जाऊं, इमाम हुसैन ने फरमाया, जा अकबर अल्लाह के दीन पे कुर्बान हो जाओ। बस जैसे ही घोड़े की जीन से ज़मीन पे आते हैं, इमाम हुसैन अली अकबर के पास आते हैं, देखते हैं जवान बेटा 18 साल का अली अकबर। कहते हैं, बाबा मेरे सीने में बहुत तकलीफ है। बस जैसे ही सीने के हाथ को हटाना था, इमाम हुसैन देखते हैं एक बर्छी है जो अली अकबर के कलेजे में लगी है। बस हाथों से बर्छी को पकड़ा है और आसमान की तरफ निगाह करके कहा, ऐ दादा इब्राहिम देख ले, जब आप कुर्बानी दे रहे थे आपकी आंखें बंधी हुई थी। देखो मेरे दादा इब्राहिम मैं किस तरह से कुर्बानी देता हूँ। बस अल्लाह अकबर कहकर जैसे ही बर्छी को निकाला, अली अकबर तड़पने लगा और बर्छी के साथ साथ अली अकबर का कलेजा इमाम हुसैन के हाथों में आ गया। बस खूने अकबर को लिए कहते हैं, ए अल्लाह कबूल करना, तेरे इस्लाम के लिए मैंने अकबर भी कुर्बान कर दिया। और आके अपनी आखिरी हुज्जत तमाम करते हैं, फौज यजीद के सामने कहते हैं, हल मिन नासिर यंसुरना, है कोई इस पूरी दुनिया में मुझ गरीब हुसैन की मदद करने वाला। बस सोए हुए लोगों के सोए हुए ज़मीर खामोश रहे, लेकिन एक 6 माह का अली असगर अपने आप को अपनी माँ की गोद से गिरा के कहता है कि मुझे भी मैदान में ले चलो, मैं भी अपने आका हुसैन के कदमों पे कुर्बान होऊंगा। बस इमाम हुसैन को बीबी रुबाब ने अली असगर दिया और कहा, ऐ मेरे आका ये सोता नहीं, इसे पानी पिलाओ। इमाम हुसैन अपने 6 माह के असगर को लिए मैदान में आते हैं और कहते हैं, ऐ लोगो अगर तुम्हारी जंग है तो मेरे नाना के दीन से है, अगर तुम्हारी नफरत है तो मेरे बाबा अली से है, मुझसे है। इस 6 माह के बच्चे ने क्या कसूर किया है? 3 दिन से पानी न पीने की वजह से इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है, बस चंद कतरे इसे पानी पिलाओ। तो किसी जालिम ने कहा, असगर अगर खुद पानी मांगेगा तो हम उसको पानी पिलाएंगे। बस जैसे ही इमाम हुसैन ने कहा, असगर पानी मांगो, ये सुनना था, उमर बिन साद ने कहा, हुरमिला जल्दी असगर का निशाना ले और जल्दी तीर से इसका काम तमाम कर, ये आले रसूल हैं, इसमें कोई शक नहीं, आज असगर पानी मांग लेगा। और अगर असगर की मासूम आवाज फौजे यजीद तक पहुंची तो सब के सब लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। और जिस तीर से जानवरों का शिकार किया जाता था, 1-6 माह के बच्चे पर वो तीर चलाया, उस तीर की 3 नोकें थी। तारीख ने लिखा, एक अली असगर के कान में लगी, एक गले में लगी और एक कमर में लगी। तीर इतना भारी था कि जहां जहां तीर जा रहा था असगर भी वहां वहां जा रहे थे। तीर अली असगर को चीर के इमाम हुसैन के बाजू पे आ लगा। इमाम हुसैन ने जैसे ही अपने मासूम असगर को देखा, तारीख ने लिखा, कुछ खून निकला, कुछ माँ का दूध अली असगर के जिस्म से निकला। इमाम हुसैन ने उस खून को लेके आसमान की तरफ फेंकना चाहा, आसमान रोने लगा, जमीन की तरफ फेंकना चाहा, जमीन तड़पने लगी। वो खून असगर अपने चेहरे पे मल लिया और कहा, रोजे महशर मैं अपने नाना को दिखाऊंगा कि नाना आपके दीन के लिए मैंने असगर किस तरह कुर्बान किया। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तन्हा रह गए और आके सैयदुल साजिदीन ज़ैनुल आबदीन को वसीयत करते हैं कि ऐ सज्जाद मेरे बाद दीन की हिफाजत करना, नमाज कज़ा नहीं करना, कदम कदम पे अपने नाना की सदाकत और रिसालत को बयान करते रहना।
अपनी बहनों से बेटियों से अलविदा कह के मैदान में आते हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा को बुलंद करते हैं। जो भी अली के शेर के सामने आता है फिर नार होता जाता है, जो भी हुसैन के सामने आता है फिर नार होता जाता है। बस सबने ये मिलके फैसला किया कि ये अब्बास का भाई है, अली का बेटा है, रसूल अल्लाह का नवासा है, इससे कोई जीत नहीं सकता। दूर चले जाओ और दूर से तीर चलाओ, पत्थर चलाओ, ताकि हुसैन घोड़े की जीन से जमीन पे आ जाए। बस तीरों की बरसात हुई नबी के नवासे पर, जहरा के लाल पर। बस रसूल अल्लाह का नवासा जब घोड़े की जीन से जमीन पे आया, न जीन पे था न जमीन पे था, तीरों के मुसल्ले पे था। उमर बिन साद ने कहा, हुसैन का सर काटो। जो भी हुसैन का सर काटने के लिए करीब जाता है, जैसे ही देखे हुसैन की आंखों में रसूल अल्लाह का चेहरा नजर आता है, वो रोककर वापस आ जाते हैं। बस शिमर करीब आता है और ये कहता है कि ये काम मैं ही करूँगा, और गर्दन पे इमाम हुसैन की छुरी रखता है। जैसे ही छुरी को चलाना शुरू करे, देखे इमाम हुसैन के मुबारक लब हिल रहे हैं। वो सोचता है कि शायद हुसैन हमें बद्दुआ दे रहे हैं। करीब आके सुनने की कोशिश करता है, क्या सुने, इमाम हुसैन के मुबारक लबों से आवाज़ आती है, ऐ अल्लाह मेरी कुर्बानी कबूल करना, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस अजीम इम्तिहान के लिए चुना। और इमाम हुसैन के खून के एक एक कतरे ने कयामत तक इस सदा को बुलंद कर दिया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके रसूल हैं। बाद हुसैन खयाम जलाए गए, इमाम हुसैन की बहनों को कैद किया गया, बाजारों में फिराया गया, पत्थर मारे गए, लेकिन इमाम हुसैन का कटा हुआ सर नोके नैजा पे सवार होकर भी कुरान की तिलावत सुनाता गया और दुनिया को बताता गया कि दीन हक क्या है। सलाम हो दीन बचाने वाले नवासाए रसूल हुसैन इब्ने अली पर। So that was a very nice video. और जो इमाम हुसैन हैं वो जो प्रोफेट मोहम्मद हैं उनके नवासे हैं, मीन्स उनकी डॉटर के बेटे हैं। जो मुहर्रम भी होता है उसमें भी मैंने सुना है कि, मुझे हुसैन नहीं पता था कि कौन है, और बिकॉज़ मैंने खुद सुना है एक बार साउथ दिल्ली की तरफ भी एक बार मुहर्रम निकल रहा था जब मैं वहाँ पर थी, और उसमें जब लोग ना अपने आप को मार रहे थे और उसमें वो लोग यही बोल रहे थे कि ए हुसैन हम ना थे, तो आई वॉज़ नॉट गेटिंग कि मतलब ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ए हुसैन हम ना थे। एक फॉलोअर्स होते हैं वो लोग अपने आप को पनिशमेंट देते हैं, मीन्स अपने आप को मारते हैं, कभी वो आयरन रोड्स होती हैं या चेन थी जो मेटल की चेन थी उससे मार रहे थे, और इवन कईयों के पास तो वो तलवार टाइप में भी था, तलवार नहीं था एग्जैक्टली, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट, बहुत पतला होता है वो और लंबा सा होता है, तो उसको वो ऐसे करके अपने पीठ पे मार रहे थे, तो काफ़ी कट भी लग गए थे उनके बॉडी पे, एंड देवर कॉन्टिन्यूसली सेइंग ए हुसैन हम ना थे। तो अब मुझे पता चल गया कि मतलब शायद उनका पर्पस यही होगा कि शायद उस टाइम पे वो भी वहाँ होते तो वो भी या तो मतलब उनसे लड़ाई करते, जो जमीद क्या नाम था उनका जो राजा था, तो या तो उनसे लड़ाई करते या फिर वो भी हुसैन के लिए अपनी कुर्बानी उस टाइम पे दे देते। अच्छा, इसमें जो स्टार्टिंग में ही उन्होंने बताया है कि जो एक क्रूर राजा था यज़ीद, तो वो क्या करता था कि मतलब वो विश्वास नहीं करता था, बिकॉज़ होते हैं पूरी दुनिया में आज के टाइम पे भी कई लोग सुपरस्टिशियस होते हैं, कोई ज़्यादा अल्लाह को, खुदा को, भगवान को, गॉड को मानते हैं, और कोई लोग होते हैं कि वो बोलते हैं कि नहीं ये सब कुछ नहीं है, वी विल गेट व्हाट वी आर डूइंग, तो अपनी मेहनत होती है, मीन्स एवरीबडी हैज़ देयर ओन एक्सक्यूजेस। बट सेम उस टाइम पे भी था एक राजा जो था वो बोलता था कि मतलब पावर और वेल्थ के सामने कुछ कहीं कुछ भी नहीं है, और दीन अल्लाह ये सब कुछ नहीं है, लोगों की बनाई हुई चीज़ें हैं। तो उस टाइम पे जो इमाम हुसैन थे
उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, और उन लोगों जो जजीद थे उन्होंने उन्हें पनिश करना था। तो इमाम हुसैन ने क्या किया कि वो अपने सब लोगों को, अपने फॉलोअर्स को लेके और अपनी फैमिली को लेकर मक्का से होकर वो जब निकलने लगे थे, तो करबला करबला नाम की एक जगह थी जहाँ पे वो लोग रुक गए थे। और वहाँ पे ये जो यजीद था उनकी पूरी जो फौज थी, उन लोगों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। और उस टाइम, और उसके बाद में, घेरने के बाद में जैसे यजीद था, उन्होंने क्या किया था, वाटर सप्लाई भी बंद कर दी थी। इन लोगों का पर्पस था कि ये लोग सिर्फ हुसैन साहब को ही मारना चाहते थे। तो जब हुसैन साहब करबला नाम की जगह पे जब सब लोगों को लेकर इकट्ठा हो गए थे, रुके थे, तो उन्होंने सबको रात के टाइम पे बुलाया, अपने सारे फॉलोअर्स को, फैमिली मेम्बर्स को, और उन्हें बोला कि ये जो है जजीर, ये सिर्फ मुझे मारना चाहता है, तो आप लोग अगर जाना चाहते हो, आप लोग यहाँ से मुझे छोड़ के चले जाओ, मैं अपने आप से इससे मैं देख लूंगा इसे, मतलब जो भी है, बिकॉज उन्हें तो सिर्फ हुसैन साहब की ही जान चाहिए थी। तो उन्होंने बोला कि हो सकता है आप आंखों की शर्म के चक्कर में मुझे छोड़कर ना जाओ। तो उन्होंने वहाँ का दिया भी बुझा दिया कि चलो अंधेरा हो जाएगा तो आप लोग अंधेरे में निकल के चले जाओ। बट जैसे ही उन्होंने दोबारा से दिया जलाया थोड़ी देर के बाद में, तो उन्होंने देखा कि उनके सारे फॉलोअर्स वहीं बैठे हुए थे, और उन्होंने तलवार अपनी गर्दन पर रखी हुई थी, और उन्होंने बोला था कि हमें मरना कबूल है, लेकिन हम लोग आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, बिकॉज अगर आपको ही छोड़ दिया तो हम लोग तो वी आर नथिंग विदाउट यू। और सेकंड चीज़ कि जब क़यामत के दिन वो लोग उनके नाना को फेस करेंगे तो उनको क्या जवाब देंगे, वो वापस जाके उनकी वालदा मीन्स उनकी मदर को क्या जवाब देंगे कि वो उनके बच्चे को छोड़ के वहाँ आ गए हैं वापस, है ना। तो इसीलिए उनके फॉलोअर्स भी उसको छोड़कर नहीं गए, तो इतना प्यार करते थे उनके फॉलोअर्स उनको। और मीन्स बिकॉज सबको पता था कि ये जो राजा है ये इतना क्रूअल है, इतना ख़राब है, और उसके पास पावर भी थी उस टाइम पे कि ये हम सबको मार देगा, बट फिर भी उन लोगों ने वहाँ मरना कबूल कर लिया, लेकिन हुसैन साहब को वो लोग छोड़ कर नहीं गए। और हुसैन साहब ने खुद अपने बच्चों की कुर्बानी दी। और उसके बाद में जो उनका सेकंड बेटा ही है जो 18 ईयर्स का था, आई फॉरगॉट द नेम, आई फॉरगॉट कि उनका क्या नाम बताया था अभी उन्होंने। और वो भी जब उसके भी जब तीर लग गया था सीने पे, और हुसैन साहब जब वहाँ पे पहुँचे, तो उन्होंने जब उन्होंने बोला कि मुझे यहाँ बहुत दर्द हो रहा है, उनके बेटे ने, तो उन्होंने क्या किया कि पहले यहाँ पर देखा कि उनके खंजर, तीर नहीं खंजर लगा था, खंजर ही लगा था ना, देवर सिंह। तो उन्होंने जब खंजर को, नहीं, फिर तीर। तीर था नहीं, छोटे बेबी के नहीं, जो उनके जो हॉर्स से गिर गए थे ऐसे, तीर तीर। था। चलो कंफ्यूजन है थोड़ा हम दोनों को कि तीर लगा था कि खंजर था। तो जब उन हुसैन साहब ने उसे बाहर निकाला, तो उनके हाथ में उसका कलेजा निकल के आ गया था। मतलब थिंक अबाउट दैट कि मतलब खुद उनके हाथों में वो बच्चा ऐसे मर रहा है, तो उनके दिल में क्या बीतेगी उसको देख के। और जब वो जो छोटा बच्चा था, जो असगर अली हैं, अली असगर है ना, तो अली असगर, उनको जब तीर मारा था तो वो उनके एक फेस पे, नेक पे और एक कमर पे जाके लगा, और वो उनकी बॉडी को क्रॉस करके हुसैन साहब के हाथ पे भी लग गया था। और जब उन्होंने तीर को निकाला तो पूरा ब्लड, छोटे से बच्चा है तो क्या ही उसकी, मीन्स दिस इज सो पथेटिक, लाइक मतलब इतना इतना कोई बेदर्द कैसे हो सकता है कि एक छोटे से बच्चे को भी मार दे, है ना। बिकॉज स्मॉल बेबीज को देख के तो वी ऑलवेज फील यू नो सो कनेक्टेड कि एक छोटा सा बच्चा, इवन त्रिक्षा इज सो यंग, बट है ना त्रिक्षा, यस, आई एम 6 years old only. शी इज़ ओनली 6 years old, बट शी फील्स सो कनेक्टेड जब वो छोटे बच्चों को देखती है, तो शी स्टार्ट लविंग दैम की, और केयर भी करती है उनकी। तो मीन्स वो पता नहीं कैसा शख्स था जिसने एक छोटे से बच्चे के ऊपर तीर मारने की उन लोगों को बोला कि इसे मार दो, ख़त्म कर दो जान से। और जब हुसैन साहब के हाथ में उसका खून था, असगर अली का, सॉरी अली असगर, माफ़ कीजिए अगर मैंने गलत नाम बोला हो, तो उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने आसमान की तरफ फेंकना, तो ऑब्वियसली कि उस टाइम पे तो इतना ही पावर होती थी कि मतलब सबको पता था कि ये प्रॉफ़ेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके आगे नवासे के बेटे हैं,
तो क्या हुआ, मीन्स आसमान धरती वो सारे कांप गए थे कि मतलब जैसे होता है ना कि दे स्टार्टेड क्राइंग कि मतलब एक बच्चे के साथ ऐसा हुआ है। तो उन्होंने उस ब्लड को अपने फेस पे ही मल लिया था। और उसके बाद उन्होंने जब हुसैन साहब का भी कत्ल कर दिया था, और यजीद जो थे उसके बाद में वो इतने ख़राब थे, मतलब हुसैन साहब को मारने के बाद में उन्होंने जो उनके वहाँ पर उन्होंने अपने टेंट्स लगाए हुए थे, और उसमें उनकी जो सिस्टर्स थी और जो बाकी लेडीज़ थी और बेटियाँ वगैरह थी, उन सब के साथ उन्होंने बहुत बुरा सलूक किया। सबसे पहले उन्होंने उनके सारे टेंट्स जला दिए, उसके बाद में उन सबको वो लोग पकड़ के ले गए थे, उनको पूरे शहर में घुमाया। बिकॉज़ ही जस्ट यजीद जो था ही जस्ट वॉन्टेड टू प्रूव कि देखो मेरे में ज़्यादा पावर है, दीन इज़ नथिंग, और मैंने सब कुछ कर दिया है विद द हेल्प ऑफ माई पावर एंड द वेल्थ। तो और उसके बाद उन्होंने उन सबको जब बंदी बना के लेके जा भी रहे थे, उन्होंने जो हुसैन साहब थे उनके जो सर था उसके सर को ऐसे हैंग कर दिया था। और उनका सर क्या था उस टाइम पे भी वो दीन की बातें ही बोलते जा रहे थे, लोगों को अवेयरनेस फैला रहे थे अबाउट द दीन, इतनी पावर थी। अदरवाइज अगर सर कलम हो जाए तो उसके बाद तो बंदा यू नो दे वोंट बी एबल टू अटर अ सिंगल वर्ड, बट वो फिर भी लोगों को दीन के बारे में बताते हुए, बिकॉज उन लोगों ने जो जजीद थे और उनकी सेना थी पूरे शहर में उनको घुमाया था विद हिज फॉलोअर्स एंड फैमिली मेम्बर्स। तो और उनका सर जो हुसैन साहब का सर था उन्होंने ऐसे हैंग करके लेके जा रहे थे, तो उनके सर ने उस टाइम पे भी पूरे पब्लिक को दीन के बारे में इंफॉर्मेशन दी। मैं ऐसी वीडियोस देख के ना मतलब सुनो ना ऐसे लगता है कि मतलब काश ऐसा कुछ हमें मिल जाए, कुछ हम अगर कहते हैं ना कि पहले के टाइम में चले जाएं, जिससे हम लोगों को एक यू नो जस्ट फॉर अ मिनट कि हम लोग देख सके कि वो जो अल्लाह के पैगंबर हैं या उस टाइम पे उनके साथ क्या हुआ, क्या हो रहा था उस उसमें, मीन्स ऑल्दो इट वुड बी वेरी स्केरी अगर हम लोग वहाँ जा भी पाएंगे, बट आई डोंट नो कि उस टाइम पे कैसा हुआ होगा। अगर कभी सोचते भी हैं कि इतना डिजास्टर हुआ था, जब ये सोचते हैं ना कि ऑल दीज एक्चुअली हैड कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट ऑन ऑल ऑफ हिज फॉलोअर्स एंड द फैमिली मेम्बर्स, तो सुन के वाकई बहुत बुरा लगता है। एक लोगों को वो कुछ अच्छा ही बता रहे थे, कुछ ऐसा गलत तो उन्होंने कभी बताया नहीं था, बट फिर भी देखो जो उस टाइम पे ऐसे राजा थे जो सोचते थे कि दीन और अल्लाह कुछ नहीं है, हम ही सुपर पावर हैं और हमसे बढ़ के कोई नहीं है, तो उन्होंने कितना बुरा किया है उनके साथ में, नहीं द्राक्षा? I'm feeling bad for the baby. बहुत ही हार्ट टचिंग वीडियो है ये, और थोड़ा सा तो डिस्टर्ब करती है ये सारी चीज़ें जब हमें पता चलती हैं कि मतलब किसी के साथ में इतना बुरा भी हुआ है। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय। बाय, नमस्ते। बाय बाय, नमस्ते।